जिनके द्वारा आज ऐतिहासिक दिन चाईबासा का क्षण है, ये याद किया जाएगा। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ मैडम का, रूपाद्र की मैडम का, उसके साथ काफी दिन हमारे साथ काफी इवेंट में बातचीत होता रहा है, काफी सहयोग मिला, काफी कुछ मिजाज की है मैडम। और ये इनका एक लगन ही है और जुनून ही है कि आज जो मेहनत की विजय हुई है, जो आपके सामने है, आप उनको शोहरत मिला, सारा चीज मिला, इतना सम्मान मिला, हम खुद एक गौरवित महसूस कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली मैडम के लिए देते हैं हम लोग। अब रही बात जो भी खेल प्रेमी है यहाँ पे, खेल संगठन है और हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं जो खेल प्रेमी हैं, मैं बार बार हर एक मंच में बोलता हूँ कि ये खुद की एक आइडेंटिटी पहचान बनानी चाहिए। आज हम गौरवान्वित हैं कि रूपा तिर्की मैडम चाईबासा में थी, हम लोग साथ में खेलते थे। आप सोच रहे कि यहाँ की बहू है, अब उसके नाम से हम लोग को पहचान, हम लोग को उसका पहचान मिला, तो आज हम इस तरह का सोच रहे हैं, आप सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो मैं जो भी खेल प्रेमी छोटे बच्चे हैं या जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनसे आग्रह करता हूँ कि आप भी इस तरह का लगन से, मेहनत से, जुनून से, बार बार प्रैक्टिस करने से अपने खेल को निखारिए, ताकि आपको भी एक पहचान मिलेगी, आपको भी शोहरत मिलेगी, आपको भी खुले जीप में घुमाया जाएगा, आपकी जय जयकार होगी और चाईबासा के लोग, आपके माता पिता, हम सभी एक गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हाँ, चाईबासा की जैसे अभी आप हम लोग याद करेंगे कि हाँ, कि क्रिकेट में फलाना लड़का, बैडमिंटन में कोई लड़का, या तो बाकी चीजों में भी उसी तरह आप ही अपना खेल लीजिए, लगातार अचानक रातों रात स्टार नहीं बन सकते हैं, उसके पीछे काफी घंटों का, काफी दिन का, बहुत सालों का मेहनत रहता है, प्रैक्टिस रहता है, जो आपके सामने आज रूपा तिर्की मैडम ने दिखाया। तो आप बार बार प्रैक्टिस
अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि अब कहा जाता है पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, अब खेलोगे कूदोगे होगे नवाब। तो आपको बस एक गोल्ड मेडल लाना है आपके लिए जीवन, या तो जॉब मिल जाएगी, आपको शोहरत मिलेगी, सारी पैसा मिलेगी और सारी संसाधन भी मिलेगी, आपका जीवन बहुत अच्छा से गुजरेगा। इसीलिए मैं आप सभी छोटे बच्चों से, जो खेल प्रेमी है, जो बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने कोचेस का, एसोसिएट का, गार्जियन का, जो भी सिखाते हैं उसको ईमानदारी से प्रैक्टिस करिए और आपको भी स्वर्ण पदक मिलेगा, इतिहास में आपका भी नाम लिखा जाएगा। क्योंकि आप देखते हैं करीब लॉन बॉल में हम झारखंड या तो भारत वाले भी बहुत कम ही जानते थे कि लॉन बॉल खेल भी होता है। मैंने एक बार मैडम से पूछा था कि लॉन बॉल आप क्या खेलते हैं, तो मैडम ने कहा कि लॉन बॉल खेलते हैं, तो मुझे भी नहीं पता चला था कि क्या होता है लॉन बॉल। तो बाद में पता चला जब गोल्ड मेडल आया तब देखा कि ऐसा होता है लॉन बॉल। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप भी बेहतरीन खेले, आप अपना नाम, अपने जयबासा का नाम, झारखंड का नाम और भारत का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे गोल्ड मेडलिस्ट श्रीमती रूपा रानी तिर्की के सम्मान समारोह में उपस्थित स्वयं रूपा रानी जी, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे डीपीओ साहब, हमारे जिला खेल पदाधिकारी, जितने भी यहाँ ओलंपिक संघ के सदस्यगण, अध्यक्षगण और जितने भी विभिन्न संस्थाओं के जिन्होंने यहाँ सम्मान समारोह में उपस्थित होके आज के इस कार्यक्रम को बहुत ही उत्साहित, बहुत ही अच्छा बनाने में योगदान दिया है, सभी का हार्दिक अभिनंदन जोहार। सही बात है कि आज जैसे कि डीपीओ साहब बोल रहे थे, आज सबसे बड़ी बात है कि कोई भी खेल, खेल के पीछे उनकी लगन, उनका धैर्य, उनका जोर, उनका जज्बा, उनका जुनून यदि है किसी खिलाड़ी में, तो प्रारंभिक दौर पे हो सके वो असफल हो, लेकिन उनको जब सफलता मिलती है तभी उसका जो उद्देश्य है, जो उसका जेस्ट है, वो पूरा हो रहा है। अब उसी का हमारे पास जीता जागता उदाहरण है रूपा रानी तिर्की। सही बात है, हम लोग ये जानते थे, हम लोग के मन में पहले से सिर्फ फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, यही सब गेम को हम लोग खेल के रूप में ही ज्यादा प्रचलित कर पाते, लेकिन ओलंपिक्स में बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिसको कि अभी भी इंडिया अपना प्रतिनिधित्व नहीं दे पाया। वैसे बहुत सारे गेम हैं जहां हम लोग अपनी प्रतिभा को अच्छी तरह दिखा के उसपे बहुत अच्छा हम लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज रूपा रानी तिर्की ने ये हम लोगों को एक सिखाया कि गेम में जब भी खेलो तो पूरी तन्मयता के साथ खेलो और उसका वो सरनेम जो उसका लक्ष्य होता है उसको प्राप्त कर पाने में सभी को सक्षम हो पाते हैं। आज झारखंड जैसे हमारे राज्य में अगर हम लोग पदक की, अगर खिलाड़ी की बात करें तो एक महेंद्र सिंह धोनी नाम याद आता है, हॉकी में बहुत करें तो सलीमा टेटे जो सिमडेगा के लिए वो लोग का नाम याद आता है, लेकिन आप इसमें एक कड़ी और जोड़ लिया कि लॉन बॉल में भी ऐसा खेल है जहाँ के हमारे हमारे लिए ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने वो स्वर्णिम लक्ष्य को प्राप्त करके हमारे सामने एक उदाहरण पेश किया। इनका आज के दिन में अगर इन्होंने अपना खेल से
अगर हम सभी चाय बासा वासियों को गर्वान्वित महसूस किया है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये पहले तो यहाँ एज ए खेल पदाधिकारी थी, तो ये हमारी कलीग पहले थी, बाद में पता चला कि अब ये चायबासा की बहू भी हो गई। अरे आप हमेशा चायबासा की बहू ही रहेंगे, इसलिए चायबासा के नाम पे इन्होंने अपने नाम के साथ चायबासा को एक अच्छा मुकाम दिया, एक अच्छा पहचान दिया, इसके लिए हम लोग चायबासा वासी इसके कृतज्ञ रहे। और मैं यही चाहता हूँ कि जब भी इनका जो इन्होंने जो सफलता प्राप्त की, ये हम सभी जो आने वाले जो नौजवान खिलाड़ी हैं इनके लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत हो। हम लोग कभी भी कर अगर खेलते थे तो गार्जियन अभिभावकों में भी यही लगता था, अरे क्रिकेट खेलो, अरे हॉकी खेलो, जिसमें कि कोई पोटेंशियल या कोई अवसर नजर आते हैं। लेकिन हर खिलाड़ी क्रिकेटर या फुटबॉलर नहीं बन सकता, हो सके उस खिलाड़ी में किसी दूसरे खेल का उसमें ज्यादा पोटेंशियल हो। इनको देखने के बाद या इनके माध्यम से अब हम लोग एक प्रेरणा मिलती है कि अगर कोई खेल ऐसा है जिसको कि अगर हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो तो रिकॉग्निशन मिला हुआ, उसमें भी अपनी प्रतिभा का हम लोग निखार के अपने देश के लिए अपने लिए बहुत सारा काम सफलता प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके लिए भी मैं रूपा रानी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे जो नया पीढ़ी है उनको उन्होंने एक मार्ग दिखलाया है कि आने वाले दिनों में राह थोड़ा कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन राह में अगर चलने का धैर्य हो, जुनून हो, जोश हो, जज्बा हो तो वो स्वर्णिम लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। धन्यवाद। जोहार। आज के इस सम्मान समारोह में जिनका हम लोग जिला के स्तर से सम्मान कर रहे हैं, रूपा रानी तिर्की मैडम, इंडिया में रूरल साथ में आया था जब 2010 दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम होना था तो इंडिया की टीम तैयार हो रही थी, और अभी तक नॉन बॉल में कोई भी मेडल नहीं था इंडिया को, लेकिन अभी इंडिया का मेडल आ गया है। 2010 में रिचर्ड गेल ऑस्ट्रेलिया से आए थे जो कोच थे हमारे, और 2014 और 2018 में मधुकांत पांडा हमारे इंडिया के कोच थे। इस बार किसी कारणवश कोच नहीं आ पाए थे, लेकिन विभिन्न प्रकार के ITOs और रिसर्च करके हमारा शेड्यूल तैयार किया जाता था, उसके अनुसार प्रैक्टिस कराई जाती थी। लेकिन अब शायद लॉन बॉल बदल गया है, साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसमें काम कर रही है, बहुत सारे स्पॉन्सर लॉन बॉल्स को मिल रहे हैं, तो आने वाले समय में इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। नेक्स्ट कॉमनवेल्थ में 8 गोल्ड मेडल लॉन बॉल में दाव पे होंगे, अभी तो हमने सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल इंडिया को दिलाया है, तो 4 बॉयज़ में हैं और 4 गर्ल्स में। आशा करते हैं कि आने वाले समय में लॉन बॉल का भविष्य इंडिया में अच्छा होगा और एक की जगह 8 गोल्ड मेडल इंडिया को मिलेंगे। थैंक यू। चार साल में एक बार कॉमनवेल्थ गेम आता है, तो वो 4 साल का जो गैप होता है उसमें भी प्रकार के चैंपियनशिप होते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप होते हैं, एशिया पैसिफिक होती है, छोटे छोटे टूर्नामेंट होते हैं जिसमें बहुत ही कम इंडिया की टीम पार्टिसिपेट करती है। तो ऐसे ऐसे टीम में ऐसे ऐसे टूर्नामेंट में इंडिया की टीम को भेजना चाहिए ताकि वो एक्सपीरियंस हो, एक अच्छा कोच होना चाहिए इंडिया को जो आने वाले समय के लिए बच्चों को तैयार करे, और इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, खेल की सुविधाओं को ध्यान देना चाहिए। जो खेल की सुविधाएं मिलनी चाहिए थी इस बार हमें नहीं मिल पाई थी, लेकिन फिर भी विषम परिस्थिति में एक गोल्ड मेडल आया है, हो सके तो और सारी सुविधाएं मिलेंगी तो आगे और भी अच्छा होगा। इस बार आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहाँ हम लोग और भी खेल हुआ, इंडिया की तरफ से बहुत सारे पदक जीते गए, इस बार कैसा लगा आपको वहाँ? पर बहुत अच्छा लगा, ऐसे तो मीराबाई चानू ने पहला पदक शायद दिलाया था, तो ऐसे बहुत सारे ओलंपिक पोडियम में होने वाले खिलाड़ी हैं
जो ओलंपिक स्तर पर भी अपना नाम कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों को निराशा हाथ लगी, बहुत सारे लोग मेडल जीत के लाए और बहुत सारे लोगों को एक सेकंड का अंतर का मार खानी पड़ी इस कॉमनवेल्थ गेम में। चूँकि ये 4 साल के बाद आती है और कॉमनवेल्थ गेम जो है 4 साल जो ओलंपिक होता है उसके बीच में 2 साल में वो आती है कॉमनवेल्थ गेम, तो ये भी कॉमनवेल्थ गेम तैयारी का वर्ष रहता है जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी तैयारी करते हैं। तो यही कहना चाहूँगी कि बहुत ही अलग था क्योंकि इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव अपना देश मना रहा था और 22 गोल्ड मेडल 2022 में 22 गोल्ड मेडल इंडिया को मिले हैं, तो यह बहुत ही अच्छी बात है। और क्रिकेट को इस बार शामिल किया गया तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड की महिलाओं और अपने देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि हिम्मत मत हारिए, एक ना एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। बाधाएं, मुसीबत, कठिनाइयां लाइफ में आती है, हर किसी की लाइफ में है, लेकिन किसी को कम होती है, किसी को ज़्यादा होती है। स्ट्रगल करके आगे बढ़िए, यही ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी को आपको अच्छे से जीना है, जो जज्बा और जुनून अपनी ज़िंदगी से अलग होने नहीं देना। यही